हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर जो 25 भाग हैं, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 25 पार्ट्स दिए हुए हैं, उन्हें किस तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा सेंटेंस याद करना है कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट्स। एक बार और कह रहा हूँ कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट्स। अब ये जो सेंटेंस था, इसमें हर वर्ड के जो पहला लेटर है उसको हम कैपिटल लिख लेंगे। जैसे यू से यू, कैन से सी, फ्लाई से एफ, डायरेक्टली से डी, फ्रॉम से एफ, यूनाइटेड से यू, स्टेट से एस, यूजिंग से यू, पैरा से पी, मिलिट्री से एम, स्पेशल से एस और रॉकेट से आर। अब इसके आगे हम नंबरिंग कर लेंगे। 1, 2, 3, 4। 4 जो आएगा चौथे नंबर पे उसके आगे ए लिखना है। फिर 5, 6। अब 7 डिलीट हो गया, ये आपको याद रखना है कि 7 पार्ट जो है वो डिलीट हो चुका है। फिर 8, 9, फिर 9A, क्योंकि पहली बार चौथे के बाद डबल हुआ था, तो फिर चौथे के बाद डबल होगा क्योंकि सातवां नहीं है, इसलिए चौथे पे अब की बार कौन आएगा, 9वां, तो 9th का ए। फिर 10, 11। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। देखिए, यू से क्या होगा, यू से हो जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर सी से आ जाएगा सिटीजनशिप। फिर एफ से फंडामेंटल राइट्स। फिर डी से डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 4A मतलब जिसके ऊपर एफ लिखा हुआ है, उससे आ जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर यू से आ जाएगा यूनियन, एस से स्टेट, यू से यूनियन टेरिटरीज, पी से आ जाएगा पंचायत्स, एम से आ जाएगा म्यूनसिपैलिटीज, एस से आ जाएगा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज और आर से आ जाएगा रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मैं एक बार हिंदी में भी बोल देता हूँ। यू से है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, हिंदी में बोलेंगे संघ तथा उसका क्षेत्र। सी से है सिटीजनशिप यानी नागरिकता, एफ से फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, डी से डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य, यू से यूनियन मतलब संघ, एस से स्टेट्स मतलब राज्य, यू से यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, पी से पंचायत्स, एम से म्यूनसिपैलिटीज, एस फोर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज मतलब अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, और आर से रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स तो राज्य और संघ के बीच में संबंध। तो काफ़ी आसान ट्रिक है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।